Switching focus to another issue, as far as Prashant Bhushan this goes and the allegations against the AAP party on having diluted the Lokpal Bill in its current draft. Well, these are protests which are being carried out by Swaraj Abhiyan. This on a day when Kejriwal is going to be tabling the Janlokpal Bill in the Delhi Assembly, that his former colleagues and some of the former founders of the party have come out a part of the Swaraj Abhiyan. They are holding a protest against Kejriwal and his government, saying that they have cheated the people of Delhi and that the kind of Janlokpal Bill that they have brought about is not even feasible, considering it also tries to bring in corruption in the centre within its own ambit. In addition to that, they said several other protests have been made against the version which has been tabled by Kejriwal. One of them is that considering the Lokpal is going to be appointed by the state government, it gives unparalleled control to the government to control the entire institution as well, following which we've had Arvind Kejriwal and his party members coming out and rubbishing these protests. However, interesting developments which have been taking place, because there are certain members of the Aam Aadmi Party, certain MLAs as well, who have taken part in the Swaraj Abhiyan. कि जन लोकपाल का मूल आधार ही खत्म कर दिया इस 2015 के बिल जो ये लोग ला रहे हैं उसने, और फिर ये झूठ फैलाया गया कि 2014 में जो बिल लाया गया था वो तो वही बिल था जो आप लाए हैं, और अगर उस समय हमको आपत्ति नहीं थी तो आज की आपत्ति है। और 2014 का भी बिल सार्वजनिक नहीं था, हमको परसों रात में वो बिल की कॉपी मिली, जब हमने उसके प्रावधान सारे देखे तो देखा उसमें वही चीज थी तकरीबन जो कि हमारे जन लोकपाल बिल में थी, जो कि उत्तराखंड बिल 2011 में थी और जो इस 2015 के बिल से बिल्कुल अलग है। तो ये भी मतलब ऐसे झूठे प्रचार करे जा रहे हैं कि भाई हम वही बिल ले आए जो कि अन्ना आंदोलन में बनाया गया था, हम वही बिल ले आए जो उत्तराखंड का बिल था, हम वही बिल ले आए जो 2014 में लाया गया था। बिल्कुल झूठ, मतलब एक के बाद एक झूठ ये सोच के बोला जा रहा है कि 100 बार वही झूठ बोलो तो फिर लोग उसमें विश्वास कर लेंगे, जो कि टेक्निक हिटलर के जो प्रोपोगेंडा मिनिस्टर थे गोयबल्स वो इस्तेमाल करते थे, और शायद इसीलिए पब्लिसिटी का बजट 20 करोड़ से बढ़ाकर 526 करोड़ कर दिया गया। तो दोस्तों, आज वो समय आ गया है जब वो सारे सेनानी जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में निकले थे, वो आज फिर से खड़े होकर और उसी सरकार जो उस आंदोलन से उभरी थी और जिसने इतना बड़ा धोखा उस आंदोलन के साथ किया और इतना बड़ा धोखा जनता के साथ किया, उस सरकार को घेरा जाए और उनको बाध्य किया जाए कि ये जो फ्रॉड महाजोगपाल बिल है इसको वापस लिया जाए और जन लोकपाल बिल को पारित तुरंत किया जाए। और इसीलिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम लोग थोड़ी देर में यहाँ से पीसफुली मार्च कर विधानसभा की तरफ जाना चाहते हैं। एक बात मैं ये बता देना चाहता हूँ, देखिए आम आदमी पार्टी और एंटी करप्शन आंदोलन, उस समय हम लोग बार बार ये बात कहते थे कि सेक्शन 144 क्यों लगाया जाता है, जनता का मूल अधिकार है प्रोटेस्ट करना, पीसफुली प्रोटेस्ट करना, लेकिन आज ऐसा लगता है कि यही आम आदमी पार्टी की सरकार जो कि उसी आंदोलन से उभरी थी आज वही 144 का प्रयोग करने वाली है। हम लोगों को अगर रोका गया और ये कहा गया कि यहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है तो हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, बिल्कुल पीसफुली जहाँ रोका गया वहीं बैठ जाएंगे और वहीं से अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। दोस्तों, कभी सोचा नहीं था कि ये दिन देखना पड़ेगा। आज से 4 साल पहले रामलीला मैदान के
खुले आकाश के नीचे एक सपने ने जन्म लिया था। वो सपना था कि इस देश के नागरिक अपनी हिम्मत से, अपने दबाव से इस देश में भ्रष्टाचार का अंत करने के लिए एक जनलोकपाल लाएंगे। वो सपना जिसका जन्म आज से 4 साल पहले खुले आकाश में हुआ, आज यहां से आधा किलोमीटर दूर विधानसभा की बिल्डिंग के अंदर उस सपने की हत्या करने की कोशिश की जा रही है। और ये हत्या करने वाले कौन हैं? याद रखिए, आज से 4 साल पहले कौन लोग थे? आज से 4 साल पहले कपिल सिब्बल हंसा करते थे, आज से 4 साल पहले शरद पवार कहा करते थे, लालू प्रसाद यादव बोला करते थे, शरद यादव बोला करते थे, और हम कहते थे एक बार जनता को आने दो तो सबको दिखा देंगे। हम कहते थे कि जनता की आवाज में हिम्मत है। आम लोगों के मन में पहली बार इस देश में आकांक्षा आई कि ये जो बड़े बड़े कुर्सी वाले हैं, ये हमारे नौकर हैं, इनको हम सीधा कर लेंगे, जरूरत हुई तो इनके खिलाफ हम चुनाव लड़के दिखाएंगे, इनको इनकी जगह दिखाएंगे हम। आज हमारा मुकाबला कपिल सिब्बल से नहीं है, आज शरद यादव से नहीं है, लालू यादव से भी नहीं है, उनसे गले लगने वालों से मुकाबला। एक हफ्ता पहले लालू यादव जी के गले लगने की फोटो आई, लोगों ने पूछा अरे भाई इतना ऐतराज क्या कर रहे हो, फोटो तो फोटो है, फोटो में क्या है, एक बार हाथ मिलाने और गले लगने से क्या हो जाता है। मैं आज कहना चाहता हूं, आज आप देख लीजिए क्या हो जाता है, एक बार हाथ मिलाने और गले मिलने से क्या कुछ सीख के आए हैं, किस किस खुफिया तरीके से चीजों को लागू किया जा रहा है। आज जो लोग अपने आप को रामलीला मैदान के मंच पर खड़े होकर जनलोकपाल का मसीहा बता रहे थे, आज वही लोग कुर्सियों पर बैठ के उसकी हत्या कर रहे हैं। प्रशांत जी ने बता दिया है कि किस किस तरह से हत्या करने की कोशिश की जा रही है, और इस देश में प्रशांत भूषण से ज्यादा इस चीज को कोई नहीं जानता जो अपने आप को बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठे हुए हैं। वो भी घबराए हुए होंगे कि प्रशांत भूषण की राय नहीं ली है, पता नहीं बिल के अंदर क्या निकलेगा। तो वो उन्होंने सब बता दिया है, वो सब बातें मैं दोहराऊंगा नहीं, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि याद रखिए दोस्तों, आज से 4 साल पहले भी हम सत्ता के अहंकार के खिलाफ थे। जो लोग संसद में बैठे थे, कुर्सियों पर बैठे थे, आज से 4 साल पहले वो हम पे हंसा करते थे, कहते थे सड़क पे है क्या कर लेंगे, देख लेंगे हम इनको। पता लग गया ना 2 साल में कैसे हवा निकल गई उन सब लोगों की। आज फिर हम सत्ता के खिलाफ हैं, और मैं बता देना चाहता हूं इन लोगों को जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं कि दोस्त भूल मत जाना, भूल मत जाना आज से 4 साल पहले जो कुर्सी पर बैठे थे उनके अहंकार का गुब्बारा कैसे पिचका था। ये जनता जो मनमोहन सिंह, कपिल सिब्बल और मोदी के गुब्बारे को पंचर करना जानती है, वो बाकी छोटे गुब्बारों को भी पंचर करना जानती है। एक और आखिरी बात कहना चाहता हूं, ये लोग जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, क्योंकि आज सुबह विधानसभा अध्यक्ष जी ने यहां के पुलिस के अफसर को बुलाया है और कहा है कुछ भी हो जाए विधानसभा के नजदीक से पहुंचना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए। ये वही भाषा है जो मनमोहन सिंह की सरकार इस्तेमाल करती थी, ये वही भाषा है जो पहले इस्तेमाल की जाती थी। मैं इन सबको याद दिला देना चाहता हूं कि आप लोग भले ही अपने रास्ते से भटक गए होंगे, आप लोग भले ही कुर्सी से चिपक गए होंगे, इस देश की जनता आज भी भ्रष्टाचार से समझौता करने को तैयार नहीं है, और ये चौकीदार, कल के चौकीदार भले ही आज कुर्सियों के दार हो गए हों,
लेकिन हिंदुस्तान में चौकीदारों की कमी नहीं है और ये स्वराज अभियान के चौकीदार जहां बाहर खड़े होकर उस दिन की चौकीदारी करेंगे और जनता के साथ धोखा नहीं होगा। आखिर में मैं वही निवेदन करना चाहता हूं जो प्रशांत जी ने किया था। ये पुलिस वालों के हुक्म होंगे, वो जो करें, इनको स्पीकर ने, असेंबली के स्पीकर ने जो हुक्म दिया है वो इन्हें करने दीजिए, जो करते हैं सर झुका के इन्हें करने दीजिए, देश को पता लगने दीजिए कि इनका स्पीकर क्या करवाता है। हमें इन बेचारे भर्ती वालों से लड़ना नहीं है, ये तो नौकरी कर रहे हैं। इसी तरह से ये लोग जो टीवी पे बैठ के नौकरी करते हैं सरकार की, उनसे भी नहीं लड़ना चाहिए। प्रशांत जी गुस्सा हो जाते हैं कई बार, मैं कहता हूँ प्रशांत जी ये तो बेचारे अपनी नौकरी कर रहे हैं, बॉस को खुश करने के लिए, प्रमोशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, भगवान उन सबको प्रमोशन दे। हाँ, उन बेचारों से लड़ना, भगवान उन सबको प्रमोशन दे, किसी को राज्यसभा की गद्दी दे, किसी को मुख्य प्रवक्ता का पद दे, जिसको जो जो प्रमोशन चाहिए भगवान उन सबको बख्शे उनकी उनकी प्रमोशन। हमारा आपका काम चौकीदारी का, सच की चौकीदारी का काम है और एक भी इंसान बचा रहेगा इस देश में कोई अगर खड़ा नहीं होगा तो सच के लिए, अगर मेरे जैसा आदमी भी थक जाएगा तो ये आदमी सच के लिए खड़ा रहेगा। तो हम सब चलेंगे। हाँ, एक बात तो कहना भूल गया भाई, ये जो आप करो ना, हाँ ये हुई ना असली बात। प्रशांत जी ने एक चुनौती दी है हमारे पूर्व सहयोगी अरविंद केजरीवाल जी को कि भाई आप कहते हो कि जनलोकपाल का सपना पूरा हो गया, आप कहते हो रामलीला मैदान में जो वायदे पूरे किए थे वो हो गए, आप कहते हो 2014 का जो बिल था वो शब्दशः वही है, कहते हैं कॉमा फुल स्टॉप वही है। मैं भी कहता हूं बस कॉमा फुल स्टॉप ये, बाकी सब चीजें बदल गई, कॉमा फुल स्टॉप वही है, बिल्कुल सही बात है। तो ये कहते सिर्फ हम एक मांग करते हैं, हम ये मांग करते हैं कि अगर हिम्मत है अरविंद भाई, अगर सच आपके साथ है और सच की आस्था है आप में, तो आइए जिस तरह से आप शीला दीक्षित जी को कहते थे और बाद में कहते थे भाग गई, जिस तरह से आप मोदी जी से कहते थे डरते हैं सवाल का जवाब देने से, खुली बहस से डरते हैं, जिस तरह से आपने किरण बेदी जी को आमंत्रण दिया और कहा भग गई लड़ाई से, मुझे विश्वास है आप नहीं भागेंगे, आप आएंगे प्रशांत भूषण के साथ बहस करेंगे इस बिल के ऊपर, जहां आपको पसंद है। मैं प्रशांत जी की तरफ से वायदा कर रहा हूं, जो मंच आपको पसंद है, अपने सब समर्थकों को ले आना, ये प्रमोशन वाले जितने लोग हैं अपने सब कर्मचारियों को ले आना वहां पे, जो जगह आपको पसंद है, जो चैनल आपको पसंद है, जो टाइम आपको पसंद है, जो दिनांक आपको पसंद है, हो जाए इस देश में प्रशांत भूषण और अरविंद केजरीवाल की बहस और पता लग जाने दो दुनिया को कि सच क्या है, धोखा कौन कर रहा है। Let's get in some further details. Our correspondent Iknur Kaur with us. This protest, of course, that is on by Swaraj Abhiyan. But Iknur, at the end of the day, not much that they can do inside the Delhi Assembly, where they don't have no numbers at all. Yes, indeed, Aam Aadmi Party enjoys that majority in the Assembly, which is why they can easily go ahead and pass this bill in the manner that they have tabled it, in the same, without changing even a single section in the entire bill. But they have in fact been protesting, they've been holding press conferences for the last 2 or 3 days, ever since they got a copy of that Janlokpal Bill, which has been cleared in the Delhi Capitol. They continue with their protest. Now they're marching towards the Vidhan Sabha, protesting, saying that there are several differences between
between the bill which is going to be tabled now and between the actual Anna Hazare bill. And now they've, of course, all started marching towards that side. And we've heard Yogendra Yadav and Prashant Bhushan talk about the bill and talk about how Arvind Kejriwal is treating the people of Delhi. And that is exactly what their entire protest right now is. So the Swaraj Abhiyan and its contestants have all started marching towards the Vidhan Sabha. But remember, this on a day when the Lokpal Bill is going to be tabled by the AAP. That's right. All that action that's happening in the Delhi Assembly as well today, apart from Lok Sabha and Rajya Sabha proceedings.